स्वागत है दोस्तों, मैं हूं गौरव जैन। आप देख रहे हैं यूनिक गुरु 687। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनल लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। इसका वीडियो ऑलरेडी एक तो पहले से डाला हुआ है, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। लेवल तीन लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी होते हैं, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी और फंक्शनल लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शनल लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी वो स्ट्रैटेजी है जो डे टू डे यानी डेली बनाया जाता है। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी को कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया जाता है। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी का गाइडलाइंस टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी में ऑपरेशनल लेवल के डिसीजन लिए जाते हैं और इस डिसीजन को टेक्टिकल डिसीजन कहते हैं। और यह डिसीजन यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स में, फाइनेंस में एंड लॉजिस्टिक में। फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, कंपनी में बहुत सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं। स्ट्रैटेजिक लेवल डिसीजन लेने के लिए वो फंक्शनल लेवल एरियाज हैं। सबसे पहला फंक्शनल एरिया है मार्केटिंग। वो सारे एक्टिविटीज जो जुड़े होते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्रमोशन से, प्रोडक्ट पहुंचाने से लेकर आफ्टर सेल सर्विस तक, वो मार्केटिंग में आ जाते हैं। मार्केटिंग मिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का। इसमें वो सारे स्टेप्स आ जाते हैं जो अपने प्रोडक्ट और सर्विस का डिमांड बढ़ाने में मदद करते हैं। मार्केटिंग मिक्स में चार पीस होते हैं, पहला प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस और चौथा प्रमोशन। सेवन पीस ऑफ मार्केटिंग, बाद में और तीन पीस को ऐड किया जाता है, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। कंपनी का सारा सिचुएशन जानने में मदद करता है स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। स्ट्रेंथ यानी कंपनी का खासियत, वीकनेस यानी कंपनी की कमजोरी, अपॉर्चुनिटी यानी को बेनिफिट लेने का मिलने वाला मौका और थ्रेट जिससे कंपनी को डर है। शॉर्ट एनालिसिस से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं, ऑगमेंट मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग और गोरिल्ला मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग मतलब ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करना कस्टमर को, जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले और सेल का चांसेस बढ़ जाए। रिलेशनशिप मार्केटिंग में कस्टमर को लॉयल बनाया जाता है, उनको ज़्यादा समय तक खुद के साथ जोड़ा जाता है, ऐसा फैसिलिटी दिया जाता है जिससे कि कस्टमर आपको ब्रांड को छोड़कर कहीं और ना जाए। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग का मतलब एक खास सेगमेंट कस्टमर के, एक खास सेगमेंट को टारगेट किया जाता है, सभी कस्टमर के पीछे नहीं भागा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एप्पल जो अपना मोबाइल बनाता है वो सिर्फ ज़्यादा दाम देने वाले कस्टमर, हेवी कस्टमर को ही डील करता है, सभी कस्टमर पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। गोरिल्ला मार्केटिंग का मतलब क्या है, कस्टमर को सरप्राइज कर देना क्रिएटिव मार्केटिंग के थ्रू, जैसे कि वायरल वीडियो, स्टंट्स एक्सेट्रा। सेकेंड एरिया है फंक्शनल स्ट्रैटेजी का, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी कवर करता है सारे सबसेक्शंस जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आते हैं। इसमें होता है प्लानिंग, यूटिलाइजिंग, एक्वायरिंग एंड कंट्रोलिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज का जो हमारे पास अवेलेबल है। फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में आता है कंपनी का कैपिटल राइज करना, एनुअल बजट बनाना और इम्प्लीमेंट करना, फंड में पैसा इन्वेस्ट करना और उसका यूटिलाइज करना, वर्किंग कैपिटल है जो हमारे पास उसे मैनेज करना, प्रॉफिट को अच्छी तरीके से यूज़ करना, शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड डिसाइड करना और बाकी फाइनेंशियल फंक्शंस। तीसरा एरिया है फंक्शनल स्ट्रैटेजीज का, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी जुड़ा हुआ उन एम्प्लॉय से जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वे उन्हें अच्छा और हेल्थी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वह ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। वो किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए ऐसे एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं जो उस काम के लिए बेस्ट हो और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उन्हें अच्छा आउटपुट देंगे। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट मैनेज करता है बहुत सारे एक्टिविटीज़ को ह्यूमन रिसोर्स का, जैसे कि रिक्रूटमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट और मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ का, और सैलरी को मैनेज करना और अच्छे एम्प्लॉयज़ को के टीम को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना। चौथा एरिया है फंक्शनल स्ट्रैटेजी का, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। नाम की तरह प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी जुड़ा हुआ है प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से। प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी फोकस करता है ओवरऑल प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें कि ऑपरेशंस कंट्रोल, लॉजिस्टिक और एंसिलरी फंक्शंस आ जाते हैं। लॉजिस्टिक्स वो प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूटिंग किया जाता है, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन का, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से लेकर पॉइंट ऑफ कंजप्शन तक, मतलब जहां पर बनता है प्रोडक्ट वहां से लेकर यूज़ करने वाले तक पहुंचने तक, और एंसिलरी फंक्शन यानी ध्यान देना कि प्राइमरी फंक्शन ठीक से हो रहा है कि नहीं। प्राइमरी पर्पस होता है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी का प्रोडक्ट के क्वालिटी को इम्प्रूव करना और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम से कम रखना। फिफ्थ और लास्ट एरिया है फंक्शनल स्ट्रैटेजी का, रिसर्च स्ट्रैटेजी।
यह स्ट्रेटजी फोकस करता है इनोवेशन में डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट करना पहला उद्देश्य होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंकरेज करते हैं इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को ताकि कंपनी लीड कर सके मार्केट में। यह कंपनी को हेल्प करता है कंपटीशन में सर्वाइव करने और दूसरी कंपनियों से आगे निकलने में। कंपनी आगे बढ़ेगा जब वो प्रोडक्ट में चेंजेस लाएगा, तभी उसे मार्केट में अच्छा पोजीशन मिलेगा उसी के प्रोडक्ट लाइन। ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी, फंक्शनल स्ट्रेटजी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के इम्प्लीमेंट से जुड़ा हुआ है। डिपार्टमेंट जैसे कि परचेज और मटेरियल मैनेजमेंट इम्प्रूव कर सकता है कि हम अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं और परचेजिंग कॉस्ट कम से कम कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। यह हमारा प्रोडक्शन और ऑपरेशनल स्ट्रेटजी से भी जुड़ा हुआ है, जो कि मार्केटिंग कंसेप्ट का पार्ट्स है। और फंक्शनल स्ट्रेटजी प्रोडक्शन के क्वालिटी, वैरायटी और इनोवेशन में भी हेल्प करता है। फंक्शन स्ट्रेटजी का यह भी उद्देश्य होता है समझना कि डिपार्टमेंट कैसे और अच्छा परफॉर्म कर सकता है। प्रॉब्लम को समझा जाता है, माइक्रो लेवल में सॉल्व किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सारे फंक्शन में गड़बड़ी ना हो। फंक्शनल स्ट्रेटजी हेल्पफुल करता है जब डिपार्टमेंट उससे पूछते हैं कि वे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वेरिएबल्स ऑफ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, पहला है डिटेल्स। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज डिटेल्स प्रोवाइड्स करता है कि क्या एक्शन लेना है और मेजर करता है गोल हर डिपार्टमेंट का। ये दोनों तरीके से काम करता है ताकि आपके पास स्पेसिफिक पैरामीटर्स हो जिससे आप मेजर कर सके प्रोडक्टिविटी हर डिपार्टमेंट का। अलाइनमेंट, विजन और मिशन साथ साथ चलते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज में। एग्जांपल के तौर पर अगर आप नंबर वन मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम का, तो आपका बिल्कुल भी यह स्ट्रेटजी नहीं होगा कि आप अपना प्रोडक्ट कंपटीटर के बाद लॉन्च करें, क्योंकि अगर मार्केट में कंपटीटर आपसे पहले अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर चुका होगा तो ज़्यादातर मार्केट वो कैप्चर कर चुका होगा, जिससे आपको मार्केट पकड़ने में बाद में काफ़ी दिक्कत होगी। तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे एग्रेसिव रहना होगा खुद को प्रमोट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर पाने के लिए। इसलिए विजन और मिशन साथ साथ चलना जरूरी है। यहाँ जरूरी है मेजर करना प्रोग्रेस हर स्टेप में, प्रोडक्टिविटी समझने के लिए हर डिपार्टमेंट का। जहाँ पर फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी में बहुत सारे डाटा का दरकार नहीं होता है, यहाँ प्रोग्रेसिव डाटा में ध्यान दिया जाता है। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस, हर फंक्शनल स्ट्रेटजी में उस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है। ये दोनों ही केस में सही है, चाहे वो वर्क फोर्स हो या इक्विपमेंट। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज उस थिंग्स में बिल्कुल भी बेस्ड नहीं होता है जो आपके पास नहीं है। आपको फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज उस डिपार्टमेंट और फंक्शन पर बनाना है जो आपके पास है। इंटीग्रेशन, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट के एक्टिविटीज़ को जोड़ता और साथ लेकर चलता है। जैसे कि मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन एक कॉमन एग्जांपल है, जिसमें फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी को रिलेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। उसी तरह प्रोडक्शन और परचेसिंग डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। कुछ एग्जांपल्स फंक्शनल स्ट्रेटजी का है, जैसे कि मार्केटिंग में एफिशिएंसी मतलब मार्केटिंग के खर्च को कम करना, क्वालिटी मतलब सही कस्टमर को पहचानना और मार्केट की जरूरत को समझना, और डिलीवरी मतलब सही टाइम पर रिएक्ट करना कस्टमर के नीड्स में मार्केट के चेंजिंग में। और ह्यूमन रिसोर्स में एफिशिएंसी मतलब एम्प्लॉय को समझदार बनाने के प्रोसेस में एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, क्वालिटी मतलब एम्प्लॉयर की जरूरत को कम करना और अच्छा टेक्निकल ट्रेनिंग देकर, और डिलीवरी का मतलब रूल्स के हिसाब से एम्प्लॉय को हायर करना और ट्रेनिंग देना। और ऑपरेशंस में एफिशिएंसी मतलब प्रोडक्ट का वेस्टेज कम से कम करना, क्वालिटी मतलब प्रोडक्शन की क्वालिटी को बढ़ाना, डिलीवरी मतलब डिमांड को पूरा करने में कम से कम देर करना, और परचेज डिपार्टमेंट में एफिशिएंसी मतलब नेगोशिएट करके कम से कम बेस्ट प्राइस में खरीदना, क्वालिटी मतलब वेंडर को अपॉइंट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना पार्टनर की तरह, और डिलीवरी मतलब बहुत बड़ी परचेज से बचना और जो परचेज हो चुकी है उसे सही से मैनेज करना।